हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। गर्मी का मौसम है और आमों की बहार है। आजकल सभी लोग तरह तरह के अचार बनाकर साल भर के लिए रख रहे हैं। आज हम भी आम का सूखा अचार बनाएंगे। आम का यह सूखा अचार एक साल नहीं, सालों साल सही रहेगा। इस सूखे अचार में तेल ऊपर तक नहीं भरा जाता है, बल्कि एक टी कप तेल से अचार में मोया लगाया जाता है। हमने ये सुखौनी अचार बनाने के लिए बाजार से 3 किलो टिकारी या लंगड़ा आम मंगाया है। इस आम से अचार बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले हम इस आम को धोकर साफ पानी में भिगो देंगे। 1 घंटा पानी में भिगोने के बाद हम इस आम को पानी से बाहर निकालकर सुखा लेंगे। आम की गुठली अब टाइट हो चुकी है, इसलिए हम आम को गुठली के दोनों तरफ से छिलके सहित आम की फांके उतार कर इसके 2 टुकड़े कर देंगे और आम के साइड से भी हम छिलके सहित फांके निकाल लेंगे। हमने बाजार से 3 किलो आम मंगाकर उसे काटा है। इस 3 किलो आम में से 1 किलो गुठली का वेस्ट बैठा है और हमें नेट 2 किलो आम की फांके मिली हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। देखिए, छिलके सहित हमने आम की सभी फांके उतार ली हैं। अब इन फांकों को हम एक बड़े टब में शिफ्ट कर देंगे। बड़े टब में शिफ्ट करने से हमारा आम जल्दी पक जाएगा। अब हम इसमें 1/2 टी कप या 8 टीस्पून नमक डालकर इसे थोड़ा चलाकर ढककर रख देंगे। हमने आम धूप जाने के बाद काटा है। हम इस टब पर कपड़ा लगाकर इसे रात भर के लिए रख देंगे ताकि आम अपना जूस छोड़ दें। यदि आपने आम दिन में काटा है तब भी इस पर नमक लगाकर छोड़ दें ताकि आम अपना जूस छोड़ दे। अब हम अचार में डालने के लिए मसाले भूनेंगे। इसके लिए हम मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। अब हम इस कढ़ाई में 1 टीस्पून मेथी, 4 टीस्पून राई, 4 टीस्पून सौंफ डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर चला देंगे। हम इसे 2-3 मिनट तक चलाएंगे। हमें इन मसालों को भूनना नहीं है बल्कि इसका मॉइस्चर निकालना है। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब गैस बंद कर दें। जब मसाले कुछ ठंडे हो जाएं, तो इन्हें एक मिक्सी जार में शिफ्ट कर दें। मसाले मिक्सी जार में डालकर इसे मोटा पीस लें। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। देखिए, हमने अपने मसालों को मोटा पीस लिया है। हमारे अचार ने रात भर में जूस छोड़ दिया है। आम ने जो जूस छोड़ा है उसे हम दूसरे टब में निकाल लेंगे। देखिए, रात भर में आम ने जो जूस छोड़ा है हमने उसे दूसरे टब में शिफ्ट कर दिया है। आम का सारा जूस दूसरे टब में निकालने के बाद जूस वाले टब में हम सारा मोटा मसाला डाल देंगे। मसाले को जूस में डालने से सारे खड़े मसाले फूल जाएंगे। अब हम आम की फांकों को और आम की फांकों से निकले मसाला डले जूस को अलग अलग 2 दिन की सुबह से शाम तक पूरी धूप लगाएंगे। 2 दिन की धूप लग जाने के बाद दूसरे दिन शाम को हम अचार को तैयार करेंगे। देखिए, 2 दिन की धूप लग जाने के बाद हमारा कच्चा आम सूख कर तैयार हो चुका है और हमारे जूस में भी धूप लग चुकी है। अब इस जूस में हम 1 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच ऊपर तक भरकर हल्दी डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच ऊपर तक भरकर तीखा लाल मिर्च डालेंगे। हमने इस जूस में हल्दी और मिर्चा इसलिए पहले नहीं डाली क्योंकि तीखी धूप खाकर मसालों का रंग फीका पड़ जाता है और अचार देखने में खूबसूरत नहीं लगता है। इसे चलाकर अच्छी तरह मिला दें। जूस में मिले मसालों को अब हम टब में रख के आम के ऊपर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह चलाकर मिला देंगे ताकि आम की हर फांक के ऊपर अच्छी तरह मसाला लग जाए। अच्छे से मसाला मिल जाने के बाद अब हम इसमें 1 टी कप कच्चा सरसों का तेल डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह चलाकर ऐसे मिलाएंगे ताकि हमारी आम की हर फांक चिकनी हो जाए और पूरे अचार में तेल का मोया लग जाए। बस अब हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। इसे जार या कंटेनर में भरें और सालों साल अचार का मजा लें। इस अचार का एक फ़ायदा ये भी है कि धीरे से आम की फांकें तेल पी लेती हैं, इसलिए आप इस अचार को बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चों के हाथ चिकने नहीं होंगे और आप इस अचार को सफ़र में भी ले जा सकते हैं, आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इतने फ़ायदेमंद अचार को फ़ौरन बनाएं, कहीं आम का सीज़न ना निकल जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी सुखौनी अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमें आपके अमूल्य सुझाव और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट्स अवश्य करें।
हमारी अन्य रेसिपीज के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।